माचलपुर डीजल पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में युवक कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन टप्पा कार्यालय माचलपुर में नायब तहसीलदार नवीन चंद्र कुंभकार को कांग्रेसी द्वारा दिया गया। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष आशीष सर्राफ द्वारा ज्ञापन का वाचन कर बताया कि प्रदेश की जनता कोरोना महामारी से त्रस्त है, जनता अपना रोजगार गंवा कर बैठी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के भाव में कमी आ रही है, परंतु भाजपा की सरकार मुनाफा कमाने के चक्कर में निरंतर भाव वृद्धि कर रही है। सरकार को कांग्रेस पार्टी ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देती है कि डीजल पेट्रोल में की गई वृद्धि को वापस लेकर भाव कम करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। इस मौके पर मुन्ना हामिद अली, बलवंत सिंह गुर्जर, श्याम बैरागी, शिव नारायण जी राठौर, प्रदीप कोठारी, रामचंद्र वर्मा, रोशन सिंह गुर्जर, सुलेमान भाई कैलाश पाटीदार, रामबाबू गौड़, राधेश्याम गुर्जर सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद। कांग्रेस पार्टी ने तहसील में आकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के विरोध में उनके द्वारा निरंतर पेट्रोल डीजल में वृद्धि करने के संदर्भ में आज कांग्रेस पार्टी ने दमखम से आकर ज्ञापन दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर जो निरंतर पेट्रोल डीजल में भाव बढ़ाकर निरंतर मुनाफाखोरी कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल के भाव निचले स्तर पर होने पर भी वो निरंतर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा रही है, और आम जनता जो चाइना के द्वारा एक कोरोना वायरस से जो पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है, लोगों की बेतहाशा मृत्यु हो रही है, उस पर भी लोग पूरे विश्व में लोग मर रहे हैं। हमारे भारत में 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है, रोजगार पूर्ण रूप से बंद है। 2 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने की बात करी थी, लेकिन वो तो जाने कहाँ गया, पर कोरोना वायरस में 3 महीने में जो रोजगार लोग गंवा चुके हैं उसकी भी कोई जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में दमनकारी नीति अपना रही है, जन विरोधी नीतियाँ बनाकर जनता को परेशान कर रही है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि 3 महीने के बाद भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाकर जनता पर ये चीज़ थोप रही है। ये और बिजली की कीमतें भी बढ़ रही है, माचलपुर क्षेत्र में अघोषित बिजली हो रही है, किराना व्यवसाय भी कीमतों में किराने की वस्तुओं में भी अनलिमिटेड जो है कीमत बढ़ रही है, इसका कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर। और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए पूरे प्रदेश में माचलपुर की ओर से अवगत कराती है कि आप पेट्रोल डीजल के दाम कम किए।